बेसिकली हमारा ये बिलीफ है कि चाय एक ह्यूमन राइट है और इसके लिए चार्ज करना एक क्राइम है। ऑल्दो आई बिलीव दैट आई एम अनएजुकेटेड। व्हाई व्हाई इज दैट सो? क्योंकि भैया जो एजुकेशन मैंने ली है उसने मुझे कुछ ऐसा दिया नहीं कि मैं बोलूं कि मैं एजुकेटेड हूँ। मुझे रियल एजुकेशन यहाँ पर आकर मिली है। भैया मेरा नाम दक्ष सिंगला है। भैया हमारा ये बिलीफ है कि चाय एक ह्यूमन राइट है, एक मानव अधिकार है और इसके लिए चार्ज करना एक अपराध है। तो अभी जितने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपराध कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? सब अपराधी हैं। चाय के लिए कैसे कोई चार्ज कर सकता? चाय के लिए नहीं चार्ज कर सकता। चाय ऐसी चीज है जो फ्री होनी चाहिए। चाय फ्री होनी चाहिए। भैया साथ साथ में हमने कुछ और भी ह्यूमन राइट्स अभी स्टार्ट करे। अच्छा, जैसे कि आइसक्रीम है, आइस टी है। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम और आइस टी ह्यूमन राइट बन जाते हैं और वैसे ही सर्दियों में चाय ह्यूमन राइट। मतलब ये नीड नहीं है कि हक है? हक है, हक से मांग। अच्छा, और मतलब ये सस्टेन कैसे कर पा रहे हो? क्यों आप जो है चार पांच चीजें जो है फ्री में दे रहे हो और तो बाकी आप हाउ आर यू एबल टू सस्टेन? भैया हमारे पास बहुत अच्छे कस्टमर्स आते हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं आता जो सिर्फ चाय पीने आता है। अच्छा, और अगर एक दिन चाय पी कर जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि अगर ये फ्री की चीज इतनी अच्छी दे रहे हैं तो जिस चीज के लिए चार्ज कर रहे होंगे वो किस क्वालिटी की होगी। तो वो एक बार ही चाय पी कर जाएगा पर वो जरूर आएगा चाहे एक महीने बाद आए। मतलब यू वांट टू रिटेन अ लॉन्ग टर्म? हमारा भैया बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। हम ऐसा नहीं है कि कस्टमर एक बार ही आया उसको लूट लिया और बात खत्म। अच्छा, हम लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करते हैं कस्टमर के साथ, उसको हर बारी कंसिस्टेंटली सैटिस्फाई करते हैं। ओके, और आप मैंने देखा कि आप पानी भी जो 20 रुपए की बोतल होती है 12 रुपए की दे रहे हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ हो गया। हमारी कॉस्टिंग आती है उस पर हम बिस्लरी की बॉटल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा भैया, हमारा जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो हमारे फ्राइज है। फ्राइज, एंड वी रियली टेक प्राइड इन द क्रिस्प ऑफ आवर फ्राइज। ओके, मतलब हमारे फ्राइज को हम बहुत ज्यादा प्यार से बनाते हैं। तो अल्ट्रा क्रिस्पी फ्राइज होते हैं, बाहर से क्रिस्पी गोल्डन और अंदर से फ्लफी वाइट। तो फ्राइज जो है ये रिकमेंड करना चाहिए। उसके बाद पिज्जा है, गार्लिक ब्रेड है, मोमोज, मैगी, जो हम सब बच्चों को पसंद है। तो इससे पहले आप क्या करते थे, मतलब ये ब्रांड खोलने से पहले, स्टार्टअप से पहले? बेसिकली आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम विप्स, ऑल्दो आई बिलीव दैट आई एम अनएजुकेटेड। व्हाई व्हाई इज दैट सो? क्योंकि भैया जो एजुकेशन मैंने ली है उसने मुझे कुछ ऐसा दिया नहीं कि मैं बोलूं कि मैं एजुकेटेड हूँ। मुझे रियल एजुकेशन यहाँ पर आकर मिली है। रियल एजुकेशन मुझे वहाँ नहीं मिली, रियल एजुकेशन यहाँ मिली। तो मैं अपने आपको एजुकेटेड बोलना पसंद करता हूँ, अनएजुकेटेड बोलना पसंद करता हूँ। अच्छा, तो आप अनएजुकेटेड चाय वाला हो गए? अनएजुकेटेड चाय वाला। और मेरा जो पार्टनर है ही इज फ्रॉम आईटी दिल्ली। ओह वाओ, ही इज एजुकेटेड चाय वाला, आई एम एन एजुकेटेड चाय वाला। तो भाई जितने भी एमबीए वाले हैं, जितने भी मार्केटिंग वाले हैं, वो इनसे सीखिए ये जो कॉन्सेप्ट ये चालू कर रहे हैं। और जो आपकी मुझे मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत ही क्रेजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है ये, और शायद ही ऐसा कहीं देखने को मिलता होगा ऐसी चीज। इससे पहले एक हमारे देश में और हैं जिन्होंने ऐसा किया था, अंबानी जी, जिन्होंने पूरे देश को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया। करेक्ट करेक्ट। तो उसके बाद हम तो गाइस जो है मैंने इन्होंने जो है फ्री की आइसक्रीम और जो चाय थी, मैंने आइसक्रीम तो नॉर्मली होती है बट मैंने जो है एक चाय टेस्ट करी यार, मशीन वाली चाय है ये, बट अलग ही स्वाद है इसमें। इलायची का जो फ्लेवर है ना बहुत स्ट्रांग है। वैसी चाय आप अनलिमिटेड पी सकते हो, 3-4 पी जाओ। पर मैंने जो है, मुझे अभी थोड़ी गर्मी चल रही है, सर्दियों के मौसम में चाय ठीक है, मैंने आइस टी लिया। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके से फुल अबाउट गार्लिक ब्रेड है जिसका रेट 500 रुपये है, और वो 500 रुपये रखा है इसलिए ताकि कोई खरीदे ना उसको। जिस दिन वो कोई 500 खरीद लेगा वो उसको 1000 रुपये कर देगा। वो उन्होंने रखी इसलिए है कि वो कोई लेना, क्योंकि बहुत महंगी है। और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि इसमें बहुत मेहनत लगती है और हमने इसको मेन्यू में सेलेक्ट कराया ताकि जगह भरी भरी लगे, जगह भरी भरी लगी, इसीलिए जो है काफी आइटम्स हैं जो एकदम सुपर एक्सपेंसिव रखे हुए हैं। बट दिस इज अ रियली नाइस प्लेस, मुझे इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अगर आप पीतमपुरा में हो तो एनएसपी तो आना जाना लगा रहता होगा, तो आओ ट्राई करो। ब्रेड भी है, बाकी सारी चीजें भी है, फ्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली नाइस प्लेस, आओ चिल करो। और भी ब्रांचेस खोलने वाले हैं ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।